आज की वीडियो से मुतालिक मालूमात से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि हमने बनाया है नया यूट्यूब चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको दी आपके पसंदीदा स्टार्स की मालूमात सो पाकिस्तान इंडस्ट्री से मुतालिक मालूमात के लिए जुड़े रही हमारे चैनल से। आज की वीडियो में बात करते हैं दानिश तैमूर की, जो कि लिखूं दिलों पर राज करते हैं और दिनों तो वो छाए हुए हैं। बात करते हैं दानिश तैमूर के ड्रामास की, पहुंच ऐसे ड्रामास की जो स्पर हट गए, बाकी ड्रामास भी उससे पहले स्पर हट गए, लेकिन हम आज की वीडियो में सिर्फ उन ड्रामों की बात करते हैं। आखिर क्या वजह है कि दानिश तैमूर का हर ड्रामा पहले से भी स्पर हट जाता है, तो आज कुछ दानिश तैमूर के कैरियर की भी और ड्रामास की बात करते हैं। एक वजह तो ये है कि दानिश तैमूर की अच्छी खासी फिल्म फॉलोइंग भी उनके लाखों चाहने वाले ही, तो वो तो दानिश तैमूर का ड्रामा देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन जो फिल्म नहीं होते वो भी ड्रामा देखने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर दानिश तैमूर की फिल्म लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि दानिश तैमूर ऐसे ड्रामास का इंतखाब ही करते हैं जो कि अवाम देखना पसंद करती है। और अगर उनकी शख्सियत की बात करें तो सभी इनकी तारीफ करते हैं। खैर, सबसे पहले दानिश तैमूर के ड्रामे मेरा रब वार्स की बात करते हैं, जो कि 2019 में यानी हवा था। मैं अगर अपनी बात करूं तो ये ड्रामा सीरियल मेरा पसंदीदा था और अब तक है, क्योंकि जो अब दानिश तैमूर के ड्रामे जिनकी हम आगे बात करेंगे उनसे मुख्तलिफ था। उस ड्रामे के डायलॉग आमीजंग, उस ड्रामे को जहांजी कमर ने तहरीर किया था। ये ड्रामा मुझे बेहद पसंद आया, तो मैंने जहांजी कमर साहब को मैसेज करके बहुत तारीफ की, तो वो मुश्किल थे कि आपको मेरा लिखा हवा ड्रामा पसंद आया। खैर, उस ड्रामे में दानिश तैमूर की लोग भी कमाल की थी और उसमें दानिश तैमूर के साथ मदीहा अमाम थी। वे उसमें बता रही कि अगर आपने नहीं देखा तो। खैर, उसमें मदीहा अमाम की लोग भी बहुत जबरदस्त थी और उस ड्रामे के कुछ डायलॉग आज भी छोटे छोटे क्लिप्स में देखने को मिलते हैं। एक सीन जब अक्का मस्जिद में हुए थे वो तो कमाल के थे, आज भी देखने को मिलते और मेरे दिल के करीब कमाल ही लिख दिए जहांजी कमर साहब ने। खैर, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी कि अगर आपने नहीं देखा तो, अगर आप देखना चाह रहे तो आपका मजाक खराब न हो, और इतना जरूर कहूंगी कि अगर आप देखोगे तो बोर नहीं होंगे, आपको मजा आएगा। दानिश तैमूर का ये ड्रामा भी अच्छी खासी रेटिंग पर गया था और बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और मेरा आज भी पसंदीदा है। आगे दूसरे नंबर पर बात करते हैं ड्रामा सीरियल महल पोश की। उस ड्रामे में दानिश तैमूर के साथ आयजा खान थी, जो कि आप जानते हैं कि ये असल जिंदगी में इनकी बीवी ही। दानिश तैमूर और आयजा खान काफी अरसे बाद उस ड्रामे में दोबारा एक साथ नजर आए थे। आयजा खान जब का उस वक्त पाकिस्तान की सबसे मशहूर एक्ट्रेस मानी जाते हैं, मतलब के उनके सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स हैं, और दानिश तैमूर भी टॉप एक्टर्स में आते हैं और दोनों कपल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, तो फैंस को काफी इंतजार था दोबारा उनको साथ देखने का। तो बात करते ही महर पोश की कि ये स्टोरी कैसे थी। महर पोश ड्रामे की स्टोरी ठीक ही थी। आप तो जानते हैं कि जियो के ड्रामा स्लो ही होते हैं, ओएसटी वगैरह लगाकर सीन को लंबा करते हैं और एपिसोड्स काफी हवज जाती है और स्टोरी थोड़ी स्लो हवज जाती है। शुरू से ड्रामा अच्छा गया था, दरमियान में थोड़ा स्लो था लेकिन आखिर में ठीक था। लेकिन आपको बताया न कि दानिश तैमूर और आयजा खान को दोबारा एक साथ देखने के लिए फैंस बेताब थे, तो शुरू से लेकर आखिर तक ड्रामा के व्यूज और रेटिंग अच्छी ही गई थी। उस ड्रामे में दानिश तैमूर का करेक्टर कोई अमीर ज्यादा नहीं था, बस नॉर्मल ही था। बाकी मैं तफसील तो बताना चाहती लेकिन शायद आपने खुद देखा हो, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा मेन चीज ही बता रही। उसमें दानिश तैमूर का किरदार ऐसे लड़के का था जो कि आयजा खान के दर से मोहब्बत तो किता था मगर वाज नहीं बताता था। फिर जाहिर है आखिर में तो खलकर सबको पता लग ही जाता। मेरे कहने का मतलब कि हीरोइन के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। नंबर तीन पर बात करते हैं दानिश तैमूर के ड्रामे देवांगी की। उसमें दानिश तैमूर के साथ हबा बखारी थी। उसमें दानिश का किरदार एक अमीर घराने से था। वैसे तो मेरे ख्याल से आपने देखा ही होगा, क्योंकि जिससे बात करते थे तब हर कोई ये ड्रामा देखता था। हालांकि ऐसी स्टोरीज से बहुत से लोग अख्तिलाफ रखते कि क्या एक जैसी स्टोरीज ही कि लड़का अमीर और लड़की गरीब और वगैरह वगैरह, लेकिन क्या है कि लोग जिस पर तंकीद करते हैं। असली चीज
उसको ज्यादा देखते भी हैं, क्योंकि आज तक मैंने जिस ड्रामे को भी तनकीद की जद में आते देखा है वही ड्रामा अच्छी खासी रेटिंग पर जाता है। खैर, उसमें दानिश तैमूर का किरदार एक सरफिरे नवाब का था जिसको अपनी दूध पर नाज था। रह जाते इसको लड़की से इश्क हो गया, लेकिन जब इस लड़की ने यानी हबा बखारी के किरदार ने इसे बीच चौराहे पर जलील किया तो एक नवाब जादे को ये कैसे कबूल हो सकता है। बस वो अपने बदले की आदमी लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। खैर, में ज्यादा बारीकी के साथ स्टोरी को नहीं बताऊंगी। दानिश तैमूर के इस किरदार को किसी की भी परवाह नहीं थी, बस पैसा और शहरत पर घमंड था, किसी का एहसास नहीं था। इसे खैर इसी तरह स्टोरी आगे चली, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन जैसे किरदारों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनका अंजाम अच्छी तरह दिखाया होता, लेकिन उसमें दानिश तैमूर के किरदार का अंजाम बहुत बुरा हुआ। हालांकि सुल्तान दरानी यही गजब करता था, लेकिन चाहने वाले उससे नाखुश थे क्योंकि वो अपने हीरो को ऐसे नहीं देख सकते थे। दूसरी तरफ अंजाम का नहीं सोचते कि इसने क्या क्या बुरा किया। खैर, में अंजाम इसलिए नहीं बता रही कि अगर किसी ने नहीं देखा तो उनका मजाक खराब न हो जाए। खैर, अब बात करते हैं चौथे ड्रामे की, दानिश तैमूर के ड्रामे इश्क है कि उसमें दानिश के साथ मनाल खान थी। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे उन दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई थी और मैं इनको दोबारा भी एक दम साथ देखना चाहती हूं। खैर, वो अलग ही मजा होता जो पहले ड्रामे में अचका होता। उस ड्रामे की स्टोरी तो उन्हीं स्टोरीज जैसी, लेकिन नहीं, हर स्टोरी के पीछे अलग एफर्ट होती। हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते और न मैं तनकीद करना चाहती। हर स्टोरी में कोई न कोई रदू बदल जरूर होता, अलग वगैरह वगैरह। और वैसे भी इश्क है ड्रामा मेरी पसंदीदा प्रोडक्शन बिग बैन का था और बिग बैन के ड्रामास तो होते ही कमाल, बल्कि भी स्लो नहीं बल्कि हर दूसरे मिनट में कोई न कोई धमाका। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती। दानिश तैमूर का इश्क है मी किरदार एक अमीर घराने का था, लेकिन इसमें एहसास था। हम इसने अपने ड्रामों की तरह उसने भी लड़की को अटाया ही था, लेकिन वो फिर बाद में पछताता रहा और जुल्म और बेरखी सब सर झुका कर बर्दाश्त की मोहब्बत करने वाला था। और दानिश तैमूर की एक्टिंग तो फिर हर किरदार को चार चांद लगा देती है और जिस अंदाज से हर किरदार को निभाता है देखने वाले तारीफ किए बगैर रह नहीं सकते। खैर, उस ड्रामे की एंडिंग बहुत दुखी थी, जालिम ने रला भी दिया था, लेकिन बहुत मजा आया। और वैसे भी इश्क है कि एपिसोड्स हफ्ते में दो और कभी चार लगती थी तो बहुत मजा आया और ये ड्रामा स्पर्श पर हट था। खैर, आखिर में बात करते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी की, जो कि उस वक्त सबसे टॉप जा रहा है और उस साल के सब ड्रामों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है जो कि तकरीबन हर कोई देखता नजर आ रहा। और दानिश तैमूर जबत का अपनी एक्टिंग से सबके दिल जीत ही चुके हैं, लेकिन जो हीरोइन है इनके साथ डायरेक्शन सलीम वो भी अपनी एक्टिंग से सबके दिल जीत रही है। अगर स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी वही जो दानिश तैमूर के ड्रामास की, हाहाहा। लेकिन मैं ये बात कर चुकी कि हर स्टोरी के पीछे एफर्ट होती और कोई न कोई रदू बदल होता और ज्यादा लोग भी ऐसी स्टोरीज ही देखना पसंद करते और दानिश तैमूर भी ऐसी स्टोरीज का इंतखाब करते। दानिश तैमूर ने कैसी तेरी खुदगर्जी की और अपने ड्रामे की बात करते हुए कहा कि किरदार खुद चलकर मेरे पास आते हैं और फिर मैं इन किरदारों को अपने दिल से और पूरी एफर्ट से निभाता हूँ और उनको अपना 100% देता हूँ और उनमें ढल जाता हूँ। कहने वाले कह रहे कि दानिश तैमूर हमेशा ऐसी स्टोरीज का इंतखाब ही करता कि मसलन एक लड़की को अट्ठा के जबरदस्ती इससे मोहब्बत करवाना वगैरह वगैरह। और इन्हीं लोगों को मैंने यही ड्रामास देखते हुए देखा और वैसे भी ऐसे किरदार दानिश तैमूर पर सूट करते और इनकी एक्टिंग स्किल्स अमेजिंग, जिस तरह वो किरदार को निभाते हैं कमाल ही कर देते हैं। खैर, बात करते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी की स्टोरी की, तो स्टोरी ने अब रुख बदल लिया है। दानिश तैमूर ने अपने शो में कहा था कि अभी आप मेरी यानी शमशीर की अश्की देख रहे हैं, मैं की अश्की अभी बाकी है, तो यही कि स्टोरी अब रुख बदल रही है। शमशीर को अपने किले पर शर्मिंदगी और वो मुआफी मांग रहा महक के घर वालों से, तो अब मेक का दिल भी तो पिघलेगा ही, तो अब सबको महक की अश्की का है इंतजार। हालांकि शमशीर ये सब गजब करता कि जितना इसने महक और उसके घर वालों के साथ बुरा किया, लेकिन कुछ फिंस शमशीर का साथ ही दे रहे। खैर, अगर हो सका तो कमेंट्स पर भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मजीद मालूमात के लिए जुड़े रहें। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल।